ये कहानी उस लड़के की है जो बचपन से फुटबॉलर बनने का सपना देखता है, लेकिन उसके घर में पैसों की कमी थी। कई बार जब प्रैक्टिस के लिए जाता था तो पिताजी के जूते पहन करके जाता था, जूते बड़े होते थे तो उनमें अंदर कपड़े घुसा लेता था। ये कहानी उस लड़के की है जिसने बचपन में कई सारे दंगे देखे, क्योंकि जिस शहर में पला बढ़ा वहां कई बार दंगों का माहौल बना। लेकिन इस लड़के ने अपने सपने को नहीं छोड़ा। इसके कमरे में एक पोस्टर लगा था खिलाड़ी का जिसका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और जिसे अपने बचपन से ही फेवरेट खिलाड़ी मानता है, अपना आइडल मानता है। उसी खिलाड़ी के नक्शे कदम पर चला और आज दुनिया में छा चुका है। वो कहते हैं ना कि इस शहर में तेरी जीत से ज्यादा चर्चे मेरी हार के हैं। मैं बात कर रहा हूं किलियन एम्बापे की, जो कि फ्रांस में 20 दिसंबर 1998 को बॉन्डी शहर में पैदा हुए, वो शहर जिसे दंगों के लिए जाना जाता रहा है। पिछले कुछ सालों में वहां कई बड़े राइट्स जो है देखने को मिले, लेकिन इस सबके बीच में इस शहर से निकल करके आगे निकलता है किलियन एम्बापे और फुटबॉल वर्ल्ड में छा जाता है। यहां तक कि जब अर्जेंटीना बनाम फ्रांस फाइनल होने वाला था तो दुनिया ने कहा कि ये अर्जेंटीना बनाम फ्रांस नहीं है, ये मेसी वर्सेस एम्बापे है। और जब फाइनल शुरू हुआ तो वाकई में दुनिया को समझ में आ गया कि क्यों ये मैच मेसी वर्सेस एम्बापे था। उनकी कहानी से क्या सीख सकते हैं, आइए उसी के बारे में बात करते हैं। मेरा नाम है आरजे कार्तिक, आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। 2018 के फाइनल में भी एम्बापे ने गोल किया था, अपनी फ्रांस की टीम को जिताने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। कमाल की बात यह रही है कि 1966 में इंग्लैंड के जॉ फर्स्ट ने हैट्रिक लगाई थी फाइनल मुकाबले में, और उनके बाद में दूसरे खिलाड़ी एम्बापे बने जिन्होंने की फाइनल मैच में गोल्स की हैट्रिक लगाई है। इस बार का जो 2022 का वर्ल्ड कप फाइनल था वो दुनिया अर्जेंटीना बनाम फ्रांस कह रही थी, लेकिन ये मेसी बनाम एम्बापे साबित हुआ है। कतर के लुसेल के आइकॉनिक स्टेडियम में जब भी मैच शुरू हुआ तो ऐसा लग रहा था कि अर्जेंटीना एक तरफा मुकाबले को लेकर के जा रही है। लोग कह रहे थे कि ये बड़ा ही बोरिंग मैच है, इतना बोरिंग मैच हमने कभी देखा नहीं है, क्योंकि 23वें मिनट में मेसी ने गोल किया, उसके बाद 35वें से 36वें मिनट के बीच में एक और गोल होता है जिसमें मेसी भी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। डी मारिया मैकलिस्टर जो है इनकी तिकड़ी कमाल करती है और अर्जेंटीना की टीम दो गोल से जो है आगे हो जाती है। 70-75 मिनट का खेल बीत चुका था, ऐसा लग रहा था कि अब इस मैच में कुछ बचा नहीं है, लेकिन तभी अर्जेंटीना की टीम से गलती होती है, पेनल्टी का मौका मिलता है और उस पेनल्टी में जब खेल का 80वां मिनट था उस वक्त एम्बापे आते हैं और जो अर्जेंटीना के गोलकीपर थे एमिलियानो मार्टिनेज उनको छकाते हैं और गोल कर देते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो असली एम्बापे हैं, जिनको स्पीड के लिए जाना जाता है, अपने हुनर के लिए जाना जाता है, वो अभी तक खामोश थे। एम्बापे के बारे में कहा जाता है कि ये अगर आप म्यूजिक के स्टूडेंट हैं तो आप समझते होंगे, ये मंद्र से तार सप्तक में मिनट्स में पहुंच जाते हैं, इतनी स्पीड में चले जाते हैं कि गूगल पर लोग सर्च करते हैं कि कौन तेज है, उसेन बोल्ट तेज है या एम्बापे जो है वो तेज है। असली एम्बापे जो है वो अगले ही मिनट में आते हैं और बेहतरीन फिनिशिंग दिखाते हैं और उसके बाद में एक और गोल करके इस मुकाबले को टाई करवा देते हैं। मैच पहुंच जाता है एक्स्ट्रा टाइम में। मैच 80वें मिनट में पहुंचा, उससे पहले अर्जेंटीना के फैंस को लग रहा था कि मामला हमारे पक्ष में आ चुका है। बड़े बड़े जो है पोस्ट उन्होंने तैयार कर लिए थे, कांग्रेचुलेशंस मेसी के पोस्टर्स बना लिए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एम्बापे नाम का एक तूफान आएगा और पूरा मुकाबला पलट के रख देगा। जो पूरा टाइम होता है उसमें तो 2-2 से स्कोर जो है वो टाई हो गया, उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम में मुकाबला चला गया। 108वें मिनट में एक बार फिर से मेसी ने अपने फैंस को खुश होने का मौका दिया और गोल कर दिया। तो फ्रांस की टीम जो थी वो पिछड़ चुकी थी 2-3 से, लेकिन एम्बापे जो थे वो अभी भी अपनी स्पीड का कमाल दिखा रहे थे और 10 मिनट के बाद में ही उन्होंने फिर से मुकाबला 3-3 से टाई कर दिया। मेसी, डी मारिया, मैकलिस्टर और मार्टिनेज का जो एक तूफान था उसको शांत किया एम्बापे ने। मतलब फ्रांस की टीम जो कि 0-2 से पिछड़ रही थी, उसके फैंस को भरोसा था तो सिर्फ एक नाम पर, वो है एम्बापे। दूसरे हाफ में जिस तरीके से वो सोए हुए शेर की तरह जगे, ऐसा लग रहा था कि उनकी स्ट्रैटेजी जो है वो यही थी कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको थका दें, और उसके बाद में वो जो पेनल्टी से उन्होंने पहला गोल किया फ्रांस का, उसके बाद तो पूरी उन्होंने पिक्चर ही बदल दी। रोनाल्डो के फैन एम्बापे उनके साथ में, बस अफसोस ये रहा कि हैट्रिक वो काम नहीं आ पाई, वो जो 3 गोल उन्होंने किए वो काम नहीं आ पाए, क्योंकि मामला जब पेनल्टी शूटआउट में गया तो एम्बापे का जो शॉट था वो तो नहीं रोक पाया अर्जेंटीना के गोलकीपर, लेकिन बाकी जो उनके स्ट्राइकर्स थे उनके गोल्स को उन्होंने फेल कर दिया और इस तरीके से अर्जेंटीना मैच जीत गया। लेकिन बरसों तक याद रखा जाएगा कि एम्बापे ने किस तरीके से अर्जेंटीना को पानी पिला दिया था उस मुकाबले में, जो एक तरफा उनको लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि उनके नाम जीत होने वाली है, लेकिन किलियन एम्बापे ने बता दिया कि वो इस फुटबॉल के गेम में बहुत लंबे जाने वाले हैं। लंबी रेस का जो घोड़ा कहा जाता है वो ये हैं, और यहां तक कि अर्जेंटीना के गोलकीपर कह रहे हैं कि हमें लग रहा था कि गेम हमारे कंट्रोल में, लेकिन उन्होंने शानदार वापसी की और इस गेम को जो बड़ा इजी सा था, सिंपल सा था, इसे कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। किलियन एम्बापे की लाइफ से, उनकी अब तक की इस जर्नी से मुझे सिर्फ एक चीज सीखने को मिलती है जो आज आपको बताना चाहता हूं, कि हार तब तक ना मानो जब तक कि आपकी हार
ना हो जाए। इसीलिए जीवन के हर प्रयास में इसी सोच के साथ आगे बढ़िए कि जीत आपकी और सिर्फ आपकी होगी। देखते रहिए मेरे साथ हर सोमवार सुबह 9:30 एक नई कहानी और हर शुक्रवार सुबह 9:30 एक नया लर्निंग सीरीज का वीडियो। याद रखिए, अब मैंने एक नया चैनल शुरू कर दिया जिसका नाम है RJ Kartik Extras, जहां मोटिवेशन के अलावा काफी सारा कॉन्टेंट इंतजार कर रहा है।